के पहले अगर हम बात करें तो मॉक पोल को लेकर तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उसके पहले जो अधिकारी यहां पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां हैं। और आप देख सकते हैं कि ये ईवीएम है और तमाम तैयारियां हैं, 7 बजे से यहाँ पर पोलिंग होगी। जो मौजूद है उनसे बात करते हैं, सर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर है? अभी तो हम लोगों ने मॉक पोल पूरा करवा चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बसपा के एजेंट आए थे, उनके समक्ष में हमने यहाँ पर छदम मतदान करके दिखाया, उनको रिजल्ट दिखाया और रिजल्ट दिखाने के बाद उन्होंने मशीन के प्रति काफ़ी वो संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के वो अभी यहाँ से गए हैं। पुनः 7:45 बजे वो इस कक्ष पर आ जाएंगे और ठीक 7 बजे से हमारी मतदान की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और क्या क्या व्यवस्था की गई मतदान केंद्र में, अगर हम बात करें तो महिलाएं आती हैं, छोटे बच्चों को लेकर आती हैं, बुजुर्ग आते हैं, दिव्यांग लोग आते हैं, तो क्या व्यवस्था है यहाँ पर? वो क्या है कि जैसे छोटे बच्चे लेकर के महिलाएं आएंगी, उनको हम लोग पहले वोट डालने के लिए वो बुलाएंगे, बताएंगे, हमारे जो गार्ड यहाँ पर लगे हैं उन लोगों को बता दिया गया है, और बुजुर्ग महिला आएंगे उनको भी प्राथमिकता के आधार पर बुलाया जाएगा जी। और इस प्रकार से अभी तो कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है, और जो कोटवार है उनके माध्यम से हम लोग मुनादी करा चुके हैं कि 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी और 3 बजे तक के है ये, मतलब वोटिंग डालने के समय ऐसे करके, हाँ तो वो बता दिए हैं पूरा, अभी आया था कोटवार और सब हमको इन्फॉर्म कर। पंडन कहा जाता है जिस तरह से, मतलब त्योहार को, क्या कोई लोकल लैंग्वेज में भी कहा गया है सर, कुछ आप लोग को सिखाया गया है लोकल लैंग्वेज में? आप कहाँ से, यहीं से हैं आप? नहीं। हाँ, तो कोई आप गोंडी हल्बी या यहाँ की जो लैंग्वेज में कुछ बताया गया कि कैसे बोलना है? वैसे तो क्या है, इस क्षेत्र में सभी लगभग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, है ना, तो हम लोग वैसे बोलने प्रयास करेंगे छत्तीसगढ़ी, उसके समझ में आना चाहिए भाषा, है ना। पंडुम मैडम गोंडी है और पंडुम के मतलब होता है त्यौहार, जैसे आमा काटते हैं इधर के लोग ना, तो मर का पंडुम बोलेंगे और चिकुड़ काया पंडुम बोलते हैं, जैसे सेम वेम का त्यौहार मनाते हैं, सेम को पहले फसल खाते हैं उस समय, तो पंडुम का मतलब होता है त्यौहार, तो उसी प्रकार से इधर के लोग सेलिब्रेट करते हैं त्यौहार, मतलब ये वोटिंग त्यौहार है इस प्रकार से। और जी लोक, हाँ वही लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इधर के लोग, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो ये है, आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, ये आप देखिए कि ईवीएम को किस तरीके से कवर किया गया है। जी अब जो लोग वोट देने आए मतलब दूसरा ना देख पाए, जो देख ना पाए करके अब क्या है उसमें, अब कर दें इसमें मैडम जी, ये आप देख सकते हैं कि ये मतदान ये इस तरीके से जो है वो ईवीएम अभी मॉक पोल किया गया है और अब कवर किया गया है, हमने आपको दिखाया था कि मॉक पोल हो चुका है और उनका कहना है कि मॉक पोल के बाद जो एजेंट आए थे उन्होंने सब जो है वो संतुष्टि जताई है, अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, और लोगों को ये पता भी है, जो पार्टियों के जो एजेंट है वो ये भी बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो करना है। और आप दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर करीबन जो 10 प्रत्याशी हैं वो मैदान में खड़े हुए हैं, और जिसमें बीजेपी कांग्रेस के साथ में जो है वो ठीक है। ममता आप चुनाव चिन्ह भी दिखा रही हैं और वो पूरा ईवीएम क्या व्यवस्था वहां पर की जा रही है, और जैसा कि आप बता भी रही कि यहीं पर वोटर्स जाएंगे और वोट डालेंगे। वासु चौरे भी रीवा से हमारे साथ जुड़े हैं, वासु रीवा में आप किस मतदान केंद्र पर खड़े हैं, कहां पर मौजूद हैं, वहां पर क्या व्यवस्था है? अनिश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में इलेक्शन को लेकर आज जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, सेकंड फेज के लिए आज वोटिंग होनी है, जो शुरुआती व्यवस्थाएं हैं जिसमें मॉक पोल शामिल है, जब पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंट हैं वो तमाम पोलिंग बूथ्स पे पहुंचते हैं, जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ने अलग अलग बूथों पर भेजा हुआ है वो वहां पर पहुंचते हैं और सारी प्रक्रियाओं को वहां पर चेक करते हैं कि किस तरीके से जो ईवीएम है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है, या फिर जो कर्मचारी हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो उनसे मिलते हैं और मुलाकात करते हैं और तमाम जो प्रक्रिया है उसको समझने का काम करते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी, शुरुआती जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं, वेबकास्टिंग के लिए जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं और जो चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनके द्वारा तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने का जो काम है वो किया जा रहा है। थोड़ी सी हम समझ भी लेते हैं सर, वोटिंग के शुरू होने के पहले क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिनको आप लोग पूरा करते हैं यहाँ पे? जी हाँ, पूरा करते हैं। मॉक पोल जी, मॉक पोल हो गई खत्म जी, सभी पार्टियों को सीआरसी चल रहा है, मॉक पोल पूरा हो गया, बीजेपी कांग्रेस के एजेंट्स पहुंचे होंगे,
निर्दलीय के प्रेजेंट है। अच्छा, तो देखिए बीजेपी कांग्रेस के साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनके भी एजेंट जो हैं वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को देखा है, समझा है, और जो एक संतोषजनक स्थिति जो है वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि जो राजनीतिक दल हैं या जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर पहले बनाई जाए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ईवीएम को लेकर काफ़ी सियासत भी देखने को मिलती है, तो ऐसी कोई स्थिति बाद में ना हो इसलिए पहले ही बता दिया जाता है कि तमाम जो मशीनें हैं, तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये पूरी कर ली गई हैं, 7 बजे से मतदान का समय है तो लोग यहाँ पर पहुंचने लगेंगे वोटिंग के लिए। और आप देखेंगे एक तस्वीर में आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि जो सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम हैं वो यहाँ पर किए गए हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के जवान मौजूद हैं, स्पेशल फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तमाम जो सुरक्षा है उनका भी यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है, साफ सफाई से लेकर जो यहाँ पे वोटिंग करने आएंगे, चूंकि गर्मियों का मौसम है तो उनके लिए पीने के पानी से लेकर तमाम जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव और वो वक्त आ गया है और इसे बेहतर रूप से आज के दिन पूरे प्रदेश में जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां वहां मतदान हो सके, इस बात को आपके पास टीकमगढ़ चलेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, टीकमगढ़ जो ये लोकसभा सीट है कई मायनों में काफी दिलचस्प है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आप इस वक्त कहां पर मौजूद है, कौन सा वो मतदान केंद्र है, बूथ संख्या क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ है अभी ग्राउंड जीरो से डिटेल्स? देखिए बिल्कुल, मैं टीकमगढ़ शहर में ही मौजूद हूँ। जिस पोलिंग सेंटर पर मैं अभी मौजूद हूँ इसी सेंटर पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के प्रत्याशी बीरेन्द्र खटीक यहाँ पर अपना मतदान करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी बीरेन्द्र खटीक और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच में है। यहाँ अगर प्रत्याशियों के लिहाज से देखें तो बेहद कम प्रत्याशी, केवल 7 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में। सीधी तस्वीर मैं आपको पोलिंग बूथ की दिखाता हूँ कि देखिए ये पोलिंग बूथ जो है मतदान केंद्र क्रमांक 74 है, जिस पर ये केंद्रीय मंत्री अब से कुछ देर बाद जो है अपना मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। जो आवश्यक तैयारियां हैं वो यहां भी पूरी कर ली गई हैं। आप तस्वीरों में जिस तरीके से देखते हैं कि मॉक पोल की जो कार्रवाई थी वो सुबह से ही पूरी कर ली गई थी, पुलिस की व्यवस्था भी यहां पर लगाई गई है। चूंकि शहरी मतदान केंद्र है और ऐसे में बहुत क्रिटिकल इसे नहीं कह सकते सामान्य पोलिंग बूथ, और यही कारण है कि आवश्यक जो पुलिस बल है केवल उसी को लगाया गया है। ग्रामीण इलाकों में जरूर कुछ क्रिटिकल पोलिंग बूथ है, वहां पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या अधिक लगाई गई है। पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर की गई हैं। हम बात करने का प्रयास करेंगे सर, किस तरह की तैयारियां अब हो गई हैं, क्योंकि कुछ देर बाद मतदान होने वाला है। श्रीवाली जी सर, बात कर सकते हैं क्या सर? सर किस तरह की तैयारियां हो गई क्योंकि अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होने वाला है? मॉक पोल मैंने 5:40 पर शुरू कर दिया था। सीआर में सेक्टर मैडम उपस्थित थी यहाँ और मीडिया के लोग भी थे, कैमरे के सामने सीआरसी हुआ है, वो मॉक पोल हुआ है और उसके 10-15 बाद एजेंट भी सब उपस्थित हो चुके थे और मॉक पोल उनके सामने किया गया है और मशीन का सीआरसी कर दिया है, टोटल बटन दिखा दिया उनको सबको और मशीन के सीलिंग का काम चल रहा है और 7 बजे से मतदान केंद्र 74 पर वास्तविक मतदान का शुरू होगा। तो देखिए जो अधिकारी हैं जो इस पूरे मतदान प्रक्रिया में लगे वो कह रहे हैं कि 5:40 पर मॉक पोल कर दिया गया था, सभी जो जनप्रतिनिधि जो जो प्रत्याशी हैं उनके जो उनके साथ जो लोग रहते हैं यानी जो पोलिंग एजेंट हैं वो सारे सबके सब यहाँ मौजूद थे। अब मशीन को अब सील करने का काम किया जा रहा है क्योंकि अब देखिए बहुत कम बचा है, उसके बाद कांकेर से खेम नारायण, कांकेर के किस मतदान केंद्र